नमस्कार एंड वेलकम टू योगी राजा चैनल। आपको बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा होता ही है कि बहुत देर तक कंप्यूटर में काम करना पड़ता है आपको, या नहीं तो मोबाइल में, तो उसमें क्या होता है कि एल्बो में दर्द होता है, कलाई पे दर्द होता है। तो ये एक बहुत आसान तरीका है जिसमें आप मिटा सकते हैं, वो चीज़ मैं आज आपको दिखा दूंगा। और टेनिस एल्बो के लिए मैंने लिंक में जो है नीचे एक वीडियो हमने बनाया है ऑलरेडी, टेनिस एल्बो का टेस्टेड है ये करिएगा तो टेनिस एल्बो नहीं रह सकता है, आपको परेशानी नहीं करेगी। तो ये बिना स्किप करके पूरा वीडियो देखिए और साथ में बने रहिए। मैं ये कहूँगा कि पहला बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हम यहाँ पे दिखा देते हैं। योगा में बहुत सारे तरीका है जो आप कर सकते हैं और आपको फ़ायदा मिलेगा, उसमें लाभ मिलेगा। और अच्छा लगे तो लाइक दीजिए, काम में आए तो शेयर करिए, साथ में बने रहिए। ये टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ, सामने चल रहा है। हाथ को ऐसा रखिए, ऐसा नहीं, ऐसा, फिर बायां को डायना के ऊपर चढ़ाइए, ये देखिए, और सीधा रखिए, नीचे नहीं ऊपर नहीं, सीधा आंखों के सामने अच्छा से पकड़िए इसको। ऐसा नहीं है कि हल्का, ऐसा हल्का नहीं, पकड़ के रखिए इसको, ऐसा घुमा के ऐसा करिए, फिर तीन बार करिए, एक हो गया, ये हो गया दो, और ये हो गया तीन, हो गया, यही काफी है। दर्द ज्यादा है तो दो बार करिए, सुबह एक बार, शाम को एक बार। फिर बायां हाथ डायना की किया था, अभी बायां उल्टा करिए, ये शुरू में क्या होगा, ये खुल जाएगा, इसको नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा कोशिश करिए, हल्का दीजिए थोड़ा, ताकि कुछ देर तक इतना तक जाए, फिर वो होते होते सीधा हो ही जाएगा, फिर हो ही जाएगा, ये हो ही जाएगा। तो ये कर लीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो दर्द, ये सब यहाँ पे कलाई पे, फिर अंगुलियां, फिर एल्बो, थोड़ा बहुत 5-7-10 दिन में आपको सुधार आना शुरू हो जाएगा, 15 दिन में तो रहेगा ही नहीं, ये तो संभव ही नहीं है रहना। तो मैं समझता हूँ कि ये आप करिए और कमेंट में हमको बताइए कि काम दिया कि नहीं, या कहीं पे दिक्कत हो रहा है कि नहीं। आगे और चीज़ दिखाएंगे, मेरा जो प्लेलिस्ट है उसमें, योगा प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें आए, जैसा मैंने भस्त्रिका का बताया, जैसा मैंने 30 मिनट का योगा किया वो बताया, फिर दो एक आसन अलग से दिखाया, फिर कपालभाति दिखाया। एक चीज़ ये मैं बता रहा हूँ, कपालभाति ये एक कंप्लीट एक क्रिया है, इसको आप हर रोज 5 मिनट भी करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। और अनुलोम विलोम सोने से पहले रात में जब आप जाइएगा बिस्तर पे, वो बिस्तर पे ही आप कर लीजिएगा, तो योग निद्रा जिसको कहता है वो तो आपको आ ही जाएगा, आपको पता चलेगा। योगा सबसे अच्छा चीज़ इसमें ये है कि जो करते हैं उनको समझ में आता है, कहीं पे गलती हो रहा है वो पकड़ में आ जाता है। योगा का ये महत्व है, क्योंकि आपका अंदर का जो सेल्फ है, जो वो बैठे हुए हैं, वो बताते रहेंगे आपको। तो साथ में रहिए, बने रहिए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और फिर से मिलेंगे अगला वीडियो में। नमस्कार।